माशाल्लाह इस दफा बहुत अनार लगा है। मैं जो आई हूँ तुम लोगों के अनार, अनार थी, माल्टे ही लगे हैं ये तो, लेकिन खान से क्या हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ कमल, कमल अली, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, कब करेंगे? जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली कोई भी नई वीडियो आप तक पहुँच सके जू। और ये लड़की जो है वो बना रही है नाश्ता अपने बच्चों के लिए, और बच्चों का मुंह बब्बू ने क्या हाल किया, बब्बू ने इसके मुंह का क्या हाल किया नोच नोच के। देखो कितना मारा इसको, इधर बहुत दर्द हुआ था, ये बहुत ही गंदा है। तो ये बब्बू जो है ना इसका पूरा मुंह नोच देता है बेचारी का, अब सारे निशान पड़े। कह रही मैं स्कूल जाऊँगी तो मेरी मैम क्या कहेंगी। तो अभी घर का हाल आप देख रही हैं, बच्चों के काम, सारा दिन यही काम होता है मेरा, घर के काम करना और बच्चों को डांटते रहना, इधर से ना गंद करो उधर से ना गंद करो। तो पहले सबसे पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम बाकी का व्लॉग बात बनाएंगे। माँ नो क्या कर रही हो? ये मतलब खेलना समझ ही नहीं आता कि खेलना क्या है, बेडों पे और सोफों पे चढ़ चढ़ के इन लोगों ने खेलना है। बताओ ना गाइस, कौन आ गया? शाहरुख खान। कहाँ पे है, नज़र नहीं आ रहा। शाहरुख खान है ना, खुदकुशी खा ली नहीं खिजर। खिजर इन कबूतरों का घर क्यों नहीं कुछ बनाते हो? नहीं यार, दिल नहीं करता। तो फिर इनको दे दो किसी को। देने भी नहीं, दिल नहीं करता। उनकी बदवाएं लेनी है तूने खाली। वो तो उस बच्चे के काम कहाँ चढ़ा हुआ, देना जरा। वो अपनी ममटी पे बैठा, ममटी पे बैठा, वहीं से गिरेगा, देना। ये वाली ममटी आगे नजर आ रही है, ये वाली नहीं, ये मेरा हाथ नहीं आ रहा। ये वाली इधर से, इधर नीचे नाला है, इधर से मैं इधर टॉप के ऊपर गया था रोजों में। देखे ना, अगर आप गिर जाते तो फिर नहीं ना, जैसे वो बच्चा बेचारा ऊपर चढ़ गया, बस उतरा नहीं जा रहा। हेलो, नीचे बाजार चलो हमारे साथ। गाइस जुल्म करते हैं, पैदल लेके जाते हैं। नहीं वो ये गाड़ी खड़ी है तुम्हारे अब्बू की, उसमें चले जाओ। मेरे अब्बू ने ऐसे नहीं ऑर्डर दिया। ये ग्रिल तुमने ऐसे ही तोड़ देनी है। क्या वो अनार वाला हेलीकॉप्टर कहते हैं खिजर इसको। नहीं, मैं जा रहा। ये देखा माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन ये देखा टूट गया सारा बारिश से। ना करना ना करना, लीमू ना तोड़ना। इस बार बहुत प्यारे लीमू लगे। अब कोई किसी को बिल्कुल ही जल गया। हाँ चलो, जूता सारा गंदा हो गया। किधर कहाँ है कद्दू? कद्दू भी मेल होती है ना। हाँ ये देखो ये पौधा कितना झुक गया नीचे बारिश की वजह से, बुढ़ा हो गया ना बाजी। नहीं ना, बारिश की वजह से ये देखो टेढ़ा हो गया, बुढ़ा हो गया बेचारा। छोड़ दे दे। ये तो मैं ऊपर से देख रही थी कि अनार भी नीचे गिर गया। उतारना तो नहीं है, इसको सुखाना है ना, अनार बनेगा तोड़ के। देखो कितने कितने बड़े बड़े निकले हुए माशाल्लाह। इस दफा बहुत अनार लगा है। मैं जो आई हूँ तुम लोगों के अनार, अनार थे, माल्टे ही लगे हैं ये तो, लेकिन खाने से क्या, उतारेंगे नहीं, खुद ही खत्म हो जाएंगे। नहीं उतारे बगैर ही खत्म हो जाएंगे। यार फल माशाल्लाह इस दफा बहुत लगा, ये मेरे पाँव पड़े हैं ना आपके घर में। आ जाओ बाजार जाए, ग्रोसरियाँ करें। ओ ये क्या छली उगी है, ये क्या है लगाया ना, छली उगी। बाजरा बड़ा महंगा, मैंने घर में ही उगा दिया। ना करना ना करना, निकल से इस तरह बाजरा की दुआ। ये सिटा वजह बनेगा ना फिर, इसको टैली थे मुरूड़ा। यार ये बहुत प्यारे लग रहे हैं, लेकिन बहुत झुक गए, गिल्ले हैं। हाँ बेटी है तो गिल्ले ही होंगे ना यार, इसको ना किसी को बांध दो नीचे से। ये बब्बू रोज एक एक तोड़ के लाता है मम्मा। हाँ ये फूल लेके आया मम्मी, आपके लिए फूल लाया हूँ। चलो जी गाइस, सारी जगह भरी हुई होती है रात को बारिश से, खटक पे नहीं जाती। चल खिजर उठा ले, किसी का जूता पड़ा हुआ है तेरे साइज का, पहन ले। फ्लाइट ले लूं मम्मा जैसे। ले ले खिजर जी, आओ ना मानो। नहीं बेटी आओ। गाइस यहाँ से सोनिया जो है ना स्लिप हुई है। गाइस ये पाँव देख रहे हैं, कैमरा ऑफ था वरना। हाँ बचत हो गया गाइस, स्केटिंग कर रही थी तो मेरा कैमरा बंद था। गाइस आपको दिखाते हैं, बचत हो गई। कैसे थी?
बचत हो गई, बचत हो गई, बचत हो गई। क्या बांट रहे हैं? दिया नहीं है। तो मांग ले, पागल है क्या? दो क्या लेके जा रहे हो भैया? इसको भी दे दो। मानो हमने आइसक्रीम खा ली, अब चीज नहीं मिलेगी। मानो का मुंह देखो जरा, देखो मानो। और चीज नहीं मिलेगी, खाऊंगी। ये बच्चों के साथ लाने का नुकसान। मूसा भाई बनने की कोशिश। हाँ सही है, पोनी वाला मूसा भाई। पागल, इतने को बटन खोलता है बेवकूफ। वो ने एक पोंचो ऊपर एक नीचे और हीरो बना हुआ है। मोइजी आपका बड़ा भाई है। ये मेरे से 2 साल छोटा भाई। पापा डिगा कर उठा का डिगा कर। अरे निकाल लेना अपने से। एक बाइक पे सारे बैठ जाओगे यार, ये बाइक खराब करना है। एक बाइक पे 4 बैठोगे। सही है आशीर, इसके बाद किसी ने बाइक लेके नहीं देना, ये बात याद रखना। बस छोड़ के चले। नाश्ता नहीं करना तुमने लड़की? नाश्ता वो आजम भाई कहते हैं दीवार के साथ दीवार है, मैं कह रही दीवार के ऊपर दीवार है। नीचे आ जाओ, गिरोगे। हेलीकॉप्टर है ये, इसमें जाना, बड़े होके जाना। चलो आ जाओ अंदर, छोटा होके नहीं बड़े होके जाएंगे। आ जाओ पिंडी बॉय ने कमेंट किया कि कल के व्लॉग में ना कि मैंने किसी को देखा, मुझे बहुत हंसी आई, मैं बताऊंगा नहीं कौन है वो। शायद छत का एक सीन है, मुझे अभी खिजा ने बताया कि दूसरा जो आया है शायद। आशी के सामने नहीं कहूँगी वरना मेरी जान खा जाएगी कि वहाँ से व्लॉग काटो। भाई इनकी अपनी गलती है, मैंने नहीं कहा, तमीज़ में रहा करो, इनको गर्मियत नहीं लग रही होती हैं। और मोहम्मद इमरान है, उन्होंने कहा है कि तहजीब के बाहर उन्होंने कल मेरी फ्रेंड को देखा था शाजिया को, और जो उनसे हेल्प हो सकी उन्होंने की। तो जज़ाकअल्लाह मोहम्मद इमरान, अल्लाह पाक आपको उस चीज़ का अजर देगा। क्योंकि मैंने जब वीडियोस लगाई थी कुछ, वो जो सदर में हादसा हुआ था उनकी लगाई थी और शाजिया की लगाई थी, बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया था, बट किसी ने उनकी हेल्प नहीं की थी। किसी एक बंदे ने किसी एक बंदे की हेल्प नहीं की थी। तो मकसद बनाने का ये था कि शायद मेरे इस चैनल के थ्रू के कोई किसी की हेल्प कर दे, लेकिन किसी ने किसी की हेल्प नहीं की। मेरी कोशिश थी, मैं जितना कर सकती थी मैंने किया, लेकिन किसी ने किसी की हेल्प नहीं की। और बाकी मर्जी है किसी की, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं किया जा सकता। आज से कुछ 4 साल पहले टिकटॉक जब लाइव आते होते थे तो मैं लाइव आती थी, एक बंदी थी मेरी लाइफ है, तो उन्होंने बताया कि उनके बेटे के साथ ये मसला है, बीमार है ये वो। तो उस वक्त लाइफ में बैठ के मैंने कहा था, बहुत अच्छे लोग थे जो मेरे साथ लाइफ कराते थे, तो मैंने उनसे कहा कि हम सब मिल के थोड़ा थोड़ा कर करें तो इसकी हेल्प कर सकते हैं। तो जितना आप दे सकते हैं, 200, 300, 400, 500 हमने मिनिमम रखा था कि 500 जो है वो हर बंदा दे। तो आप यकीन करें बाहर के मुल्कों से भी लोगों ने मतलब पैसे भेजे थे, तो हमने यहाँ से सब इकट्ठे किए, कलेक्ट किए, और फिर लाहौर में एक बंदा था हमने उसको भेजे और वो जाकर उनके घर दे के आया था। तो वो आज भी उस लड़की को याद है, वो आज भी मुझसे बात करती है फ़ोन पे और मुझे दुआएं देती है, और बाकी उन सब लोगों को दुआएं देती है जिन्होंने मिल के मेरे साथ हेल्प की थी। तो चलें जी, ये छोटा सा ब्लॉग है, आज के ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ क्योंकि मौसम जो है बाहर बारिश का हो रहा है। देख रहे हैं आप, ऐसे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। तो बारिश का मौसम है, अगर थोड़ा लेट हो गया तो बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के ब्लॉग को ये एंड करती हूँ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।